Clear. I think rest of the questions are straightforward. You just have to tell the properties for a particular font-related properties were there, text-related properties were there. और क्लास एट्रीब्यूट में आपने सिर्फ मीनिंग बताना था और उसका सिंटेक्स बताना था. एनी अदर डाउट? कोई और क्वेश्चन में डाउट हो किसी को टेस्ट के? यस शांतनु. मैम जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें एग्जांपल सिंटेक्स लिखनी थी. यस वी यू कैन आई थिंक 2 मार्क्स का क्वेश्चन था. यू हैव टू गिव द डिस्क्रिप्शन फॉर 1 मार्क और 1 मार्क में चाहे आप डिस्क्रिप्शन दे दीजिए चाहे आप उसका सिंटेक्स एग्जांपल. एनीवन? ओके मैम. सो क्लास को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डॉट के साथ. आईडी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हैश सिंबल के साथ. अगर आप हैश लगा रहे हैं तो आपने कर्ली ब्रेस के अंदर प्रॉपर्टीज लगाई. ओके. और नीचे जाके एचटीएमएल में आपने क्या करना था? लाइक दिस. सो फॉर दैट यू हैव टू राइट इट लाइक दिस. हैश इसके अंदर जो भी आप प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं. ओके. सो फॉर एग्जांपल माय आईडी नेम इज, हमने ये बनाया भी था हैश पैरा वन एंड हेयर यू आर गिविंग द सीएसएस प्रॉपर्टीज लाइक दिस. और एचटीएमएल में जहां पे भी आपको यूज करना है, फॉर एग्जांपल मुझे अगर H1 के अंदर सेम प्रॉपर्टीज लगानी थी तो हाउ आई विल डू? H1 देन आईडी इक्वल टू पैरा वन. सो द कंटेंट विल गो इनसाइड दिस एंड देन यू हैव टू क्लोज द हेडिंग टैग. तो इसमें क्या हो रहा है, आप जो भी प्रॉपर्टीज एक पैरा वन के लिए लगा रहे हो वही आप आईडी नीचे एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर रेफर कर रहे हो. तो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस विल बी रिसाइडिंग ऑन अ कंटेंट. सेम वे अगर आपको क्लास में करना था तो इंस्टेड ऑफ हैश वी हैव टू यूज अ डॉट. फॉर एग्जाम्पल डॉट पैरा वन, यहाँ पे आपने अपनी प्रॉपर्टीज लगानी थी सीएसएस प्रॉपर्टीज एंड देन अंडर द टैग जिस भी टैग के ऊपर आपने लगाना है सो हियर द वर्ड विल बी क्लास. तो इस केस में क्लास आपका एट्रीब्यूट बन जाना था, क्लास इक्वल टू पैरा वन द कंटेंट. तो कहने का मतलब है कि आपको सेम प्रॉपर्टीज बार बार लगानी है. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दी सेम प्रॉपर्टीज, अगर पहले मैं H1 के ऊपर ऐसे बनाऊं, फॉर एग्जांपल मैंने बनाया सिलेक्टर H1 और इसके अंदर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज दी है राइट लाइक दिस. फिर सेम प्रॉपर्टीज मैं अपने फॉर एग्जाम्पल P टैग पे भी सेम प्रॉपर्टीज लगा रही हूँ. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दी सेम कोड अगेन एंड अगेन वट आई विल डू, आई विल मेक अ क्लास एट्रीब्यूट डॉट पैरा वन. तो यही चीज मैं H1 के अंदर भी लगा सकती हूँ, यही चीज मैं पीटा के अंदर भी लगा सकती हूँ यूजिंग अ क्लास एट्रीब्यूट. सो यू वी नॉट हैव टू डिफाइन द प्रॉपर्टी सेपरेटली फॉर एवरी अदर एलिमेंट, अगर ओनली इन केस इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई दिस सेम प्रॉपर्टी ओनली इन दैट केस. यस दिस मैम आईडी और क्लास में फिर फर्क क्या हुआ? जैसे हम आईडी को भी तो जैसे सेम प्रॉपर्टीज लगानी है, जिसमें लगानी है उसमें हम आईडी के साथ भी तो कर सकते हैं, तो फिर इनमें डिफरेंस क्या हुआ? आईडीज को आप सेपरेट भी रख सकते हो लेकिन क्लास हम कॉमन एट्रीब्यूट्स के लिए यूज करते हैं. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हमारे पास कोई ऑर्डर लिस्ट है लेट्स से, तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर आपकी LIs आ रही है और उसके अंदर आपकी एक नेस्टेड लिस्ट भी आ रही है, तो आप वहां पे क्लास को सेपरेट कर सकते हो कि आपने LI के लिए OL की LI के लिए डिफरेंट बनाया, तो आपने वहां पे उसको फिर किस तरह रेफर करना था? OL, ठीक है, OL के अंदर आप लगा रहे हैं डॉट OL की LI के अंदर आप लगा रहे हैं पैरा वन. सो दिस वे यू कैन ग्रुप दी प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्लास. क्लास प्रॉपर्टी को आप इस तरह से भी रेफर कर सकते हो बट दिस विल नॉट बी अलाउड इन दी आईडी एट्रीब्यूट. वहां पे आप सिमिलर प्रॉपर्टीज को ग्रुप नहीं कर सकते, ठीक है. तो यहाँ पे इन द टेस्ट यू हैव टू डिफाइन दैट द मीनिंग ऑफ क्लास एट्रीब्यूट, देन आप चाहे उसको एक एग्जांपल में डिपिक्ट कर देते चाहे आप उसका अकेला सिंटेक्स दे देते, द फुल क्रेडिट विल बी गिवन. क्लियर हो गया? नाउ कमिंग बैक टू अवर टॉपिक ऑफ इंटरनेट. सो वी वर डिस्कसिंग यस्टरडे FTP protocol, that is file transfer protocol,
which is used to transfer the files, that is uploading and downloading of files from source computer to the destination computer. So this protocol you can mainly say for transferring the files. Uploading means transferring the files from your computer, from client computer to the server computer. Downloading means transferring or downloading the files from server computer to the client computer, to our own computer. That is called downloading. So it allows us to exchange the files or to transfer the files over any network or network consa which will support TCP/IP protocol. So jitna bhi sara aapka protocols ka kaam rehta hai, that will based upon the TCP/IP communication only. FTP में भी वही नेटवर्क में सपोर्ट करेगा जो नेटवर्क आपका TCP/IP प्रोटोकॉल को सपोर्ट करे. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ इंट्रानेट और इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट में नहीं. एक्स्ट्रानेट तुम्हारे विद इन टू ऑर्गेनाइजेशन हो जाते हैं दैट बिलोंगिंग टू द सेम कोर. ओके, द सेम वे जैसे हम HTTP में भी अपने वेब पेजेस ट्रांसफर करते हैं, लेकिन HTTP भी बेस्ड हमारा TCP/IP पे ही करता है. Okay, so look at the examples of FTP softwares. Core FTP, FileZilla is there, Yummy FTP, Ace FTP is there, GFTP, Cross FTP, then Fire FTP. So many examples are there. You can learn any 5-6 examples for the same. And here it is written, it allows the computers that is used to transfer or share the files using TCP/IP network. Clear? Now there are two computers which are involved in the FTP transfer. Here it is not written, so you please note it down right here now. So note it in your notebooks. In the FTP protocol working, there are mainly two computers which are involved. One is FTP server and other is FTP client. एक आपके पास FTP client है और एक आप Mehul, I don't know which sixth question is. Please write down the question. Class attribute, Rishit, we have done. सिक्स क्वेश्चन एक बार बच्चे बता दो विच क्वेश्चन इज दैट. ओके, सो बाय द टाइम जस्ट नोट डाउन द टू कंप्यूटर्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द एफटीपी प्रोसेस, दैट इज एफटीपी सर्वर एंड एफटीपी क्लाइंट. एफटीपी सर्वर कौन सा कंप्यूटर है? दैट इज रनिंग द एफटीपी सर्वर सॉफ्टवेयर. मतलब एफटीपी सर्वर इज अ कंप्यूटर विच इज रनिंग एफटीपी सर्वर सॉफ्टवेयर, वेयर एज एफटीपी क्लाइंट it is a just try to clear. एक हमारे पास होता है एफटीपी सर्वर, एफटीपी सर्वर विच इज अ कंप्यूटर. हमने बात करी थी कल भी कि सर्वर क्या है. कंप्यूटर है जो अपनी जिसके पास ज्यादा सर्विसेज है एंड इट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द क्लाइंट. सो सेम वे में एफटीपी सर्वर भी एक कंप्यूटर है, दैट इज रनिंग एफटीपी सर्वर सॉफ्टवेयर. जहां पे सर्वर का सॉफ्टवेयर रन हो रहा होगा दैट कंप्यूटर इज कॉल्ड एफटीपी सर्वर. एंड वन कंप्यूटर इज देयर, दैट इज एफटीपी क्लाइंट. एफटीपी क्लाइंट विल बी अ कंप्यूटर on which the FTP client software will be running. Okay, so it is again a computer where the FTP client software will run. Now it will allow you to transfer the files. तो हम FTP client से FTP server पे files अपनी upload कर रहे हैं और FTP server से files को FTP client के ऊपर download कर रहे हैं. So you can perform any kind of operations for the file. You can upload it, you can download the files, you can rename the files, we can delete the files. Okay, so these are the basic operations that are allowed by the FTP: uploading, downloading, renaming of files, or in case if you want to delete certain files, we can delete it also. Clear? FTP protocol is clear. The meaning of uploading and downloading. Now there is one more protocol which is not covered here. Note it down. Next term, that is called Telnet. T-E-L-N-E-T. Telnet. Telecommunication network.
टेलनेट इज अ टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क और यू कैन से दैट इट इज अ इंटरनेट यूटिलिटी. इट इज एन इंटरनेट यूटिलिटी. द यूटिलिटी विच इज बींग प्रोवाइडेड टू द इंटरनेट यूजर्स. इंटरनेट यूटिलिटी. नाउ वट इज द पर्पज ऑफ टेलनेट. इट विल अलाउ यू टू लॉग इन ऑन टू द रिमोट कंप्यूटर. फॉर एग्जाम्पल आप मेरे कंप्यूटर को असेस कर पाओगे while sitting at your own home. ठीक है. सेम वे में मैं आपके कंप्यूटर्स को असेस कर पाऊंगी. आई कैन वर्क ऑन योर कंप्यूटर्स लाइक आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन योर कंप्यूटर बट फिजिकली आई विल नॉट बी अवेलेबल. आई विल नॉट बी अवेलेबल फिजिकली राइट बट आई कैन वर्क ऑन योर कंप्यूटर. सो दैट इज द फेसिलिटी विच इज गिवन बाय द टेलनेट. सो इट इज इंटरनेट यूटिलिटी बाय विच वी कैन हैव द असेस. वी कैन लॉग इन टू अ कंप्यूटर which is remotely available. Means हम remotely computers को access कर पाएंगे, उनके ऊपर काम कर पाएंगे. Now how it will be helpful? There are some telnet softwares. अगर कईयों ने कभी कई software run भी किया होगा, there is one software called TeamViewer. Has anyone used that TeamViewer? किसी ने use किया ये software? अगर नहीं use किया तो आज इसको download करना net से. It is a freely software TeamViewer. उससे क्या होगा, वन कोई भी दो फ्रेंड्स या तीन फ्रेंड्स आपस में टीम व्यूअर को डाउनलोड करो अपने अपने सिस्टम पे एंड फॉर गिविंग द असेस टू सम अदर पर्सन यू जस्ट हैव टू शेयर वन की. वो टीम व्यूअर के सॉफ्टवेयर के ऊपर ही आपको एक ऑथेंटिकेटेड एक पासवर्ड मिलता है, एक की कोड मिलता है. वो की कोड हमने शेयर कर देना है अपने फ्रेंड के साथ एंड यूर फ्रेंड विल एबल टू यूज दैट कोड एंड विल एबल टू परफॉर्म द एक्शंस ऑन योर कंप्यूटर. मीन्स your friend will operate your computer. So this is the telnet. Kai baar hota hai we are not physically available in the office but we have to use certain files. So we can access that computer by sitting at our own place just by logging to a other someone's other computer just with the help of a key code. The very simple and common example jo har koi use kare nowadays that yes any desk. Right, any desk is the same. Any desk aap use kar lo, team viewer use kar lo, that is the telnet. Right, so it is internet utility which lets you log in to the remote computer system. It gives you the character based terminal window which will allow you to prompt on the screen and you have to log in to that prompt. Agar aapke paas permitted access hai, authorized access hai, you have been given the authenticated key code for that, you can work on that system in the same way if you are sitting on a particular system at your own place. So this is the telnet. And how the telnet is actually working, for again the working of a telnet, we require a telnet client and a telnet server. Matlab ek aapka remote server computer hoga aur ek aapka client computer hoga. The computer through which you are able to connect to the remote server, that is called a client computer. अगर आप अपने friend के computer के साथ connect कर रहे हैं तो that means उस time पे आपका computer client act कर रहा है और आपके friend का computer server act कर रहा है. So using the telnet client software on your computer, जैसे आपने कोई भी software डाला हुआ है TeamViewer या AnyDesk, so that will act as a telnet client software on your computer. वो आपके कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर एक टेलनेट क्लाइंट एक्ट करेगा विच विल अलाउ यू टू मेक अ कनेक्शन टू द टेलनेट सर्वर विच विल अलाउ यू टू मेक अ कनेक्शन टू योर फ्रेंड्स कंप्यूटर. वो आपका रिमोट कंप्यूटर है ओवर अ इंटरनेट. सो दिस वे द कनेक्शन विल बी एस्टेब्लिश्ड, अ वर्चुअल कनेक्शन विल बी एस्टेब्लिश्ड एंड यू विल बी एबल टू असेस द रिमोट कंप्यूटर्स. क्लियर. सो दिस वॉज द टेलनेट यूटिलिटी. नाउ नेक्स्ट इज द SSH. SSH stands for secure shell. Secure shell. Again, it is a remote login protocol which logs or which log in to the remote computer via some protected shell. वो protected shell क्या है? Means we are able to send our data between the client and server with a strong encrypted data, with a strong authentication. तो हमारा data authentication के साथ प्रॉपरली सिक्योर होके एनक्रिप्टेड फॉर्म में होके वी कैन एबल टू ट्रांसमिट अवर डेटा बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर. सो इट विल अलाउ यू टू
रिमोटेडली लॉग इन इंटू अ मशीन, इसीलिए मैंने इसके पहले आपको टेलनेट बताया, बिकॉज दिस वर्क्स फॉर द टेलनेट यूटिलिटी ओनली. ओके, सिक्योर शेल प्रोटोकॉल वर्क्स फॉर द टेलनेट यूटिलिटी, क्योंकि टेलनेट में क्या हो रहा है, वी कैन एबल टू कनेक्ट टू समवन्स अदर कंप्यूटर, वी कैन एबल टू कनेक्ट टू द सर्वर और रिमोट कंप्यूटर, बट इफ यू वॉन्ट अ प्रॉपर ऑथेंटिकेशन एंड इनक्रिप्टेड डेटा इज टू बी ट्रांसमिटेड, आप घर पे बैठ के किसी भी फ्रेंड का कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, और आप अपने फ्रेंड के कंप्यूटर से कोई भी फाइल को ओपन करके देख रहे हैं, जब कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, कोई ईमेल को डाउनलोड कर रहे हैं, बट इफ यू वॉन्ट दैट ट्रांसमिशन टू बी सिक्योर्ड ऑन अ प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड चैनल, ऑन ऑथेंटिकेटेड पाथ, दैट मीन्स द डेटा शुड बी इनक्रिप्टेड in order to protect the security and the correctness of the data between the client and the server. So this protocol will work for establishing the secure connection for logging to the remote computers. So SSH is clear, secure shell protocol. So this is for the telnet. Okay. The next is the SFTP, that is secure file transfer protocol. So this is a file transfer protocol, but it is contradictory to the unsecure FTP protocol. Unsecure FTP means जो हमारा normal FTP protocol जो हमने कल use किया था, that is used for the transferring or uploading, downloading of files, but that is not a secure method. Means you are transferring your files, you are uploading and downloading the files, but not with the proper security. Now if we want to transmit our files and folders over the internet on the encrypted path with the strong authentication with full security, then for that we will be using SFTP, that is secure file transfer protocol. So SFTP ensures the data safety, basically aapki jitna bhi data ki security and integrity it will be checked. So it requires the client user, it should be authenticated by the server before transferring the files or before downloading the files. Server pehle uski authenticity check karega. If there will be authenticated client, authenticated user will be there, only then the transfer will be take place over a SSH, over a secure shell. Okay, protocol hamara wahi use ho raha hai secure shell ka, but along with the SFTP, that means it will allow you to transfer the files from client to server or server to client over a secure channel called SSH. And all the data which is being sent, which is being transmitted over the network, that is in the encrypted form. So it will encrypt both the data at the server end also, at the client end also. So this is related to the transmission of files and folders with secure connection with SSH. But agar hum akela SSH kar rahe hain, that means we are able to log into the remote computer with proper authentication and strong encryption techniques. Right? Any doubt till now? Yahan tak sabko clear hai? The next is SCP. Secure copy protocol. So this is the protocol which will allow you to copy the files between two or more servers or two or more devices, two or more computers which are connected over a internet. So it will allow you to transmit the files from one system, from source to destination, with the encrypted benefits of SSH again. So it will use again the underlying secure shell protocol for the data transmission, so that the confidentiality and integrity of data can be intact. Okay, so that is secure copy protocol. It will allow you to copy the files with secure mechanism. You can able to copy the files between the connected computers with the underlying encrypted techniques of secure shell. So let's look at some of the full forms. WWW, that is World Wide Web, URL, Uniform Resource Locator, ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, NSF, National Science Foundation Network, IETF,
इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, आईएबी इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, आईकैन इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर्स, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपीएस यहाँ पे एक ऐड कर लेना न्यू टर्म, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, DNS डोमेन नेम सिस्टम, मॉडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, SSH सिक्योर शेल, SFTP सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SCP दैट इज सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग द ईमेल्स. ओके, टेलनेट टर्मिनल नेटवर्क और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, IMAP इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल, अगेन दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर द ईमेल मैसेजेस, POP3 अगेन इट इज फॉर द ईमेल्स, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, कोडेक कोडर डिकोडर. So all these full forms we have done earlier also while discussing the topics. So here a list of full forms collectively given here. So you just have to go through it. Now the next topic is search engine. You are already aware of this topic. You have already done in the lower classes. So what is a search engine? It is a software by which you can able to search any information from the www server. Because we know that all the information is stored on the web server, on the internet. So with the help of such programs or softwares, we can able to find the information, we can able to search the information on any topic. What are the examples of search engine? Google, Yahoo, Bing, Ask. The better way, don't write it like this. Write it the full web address for a particular search engine. www.google.com like this, right? Same way you have to write the full-fledged web addresses for a particular search engine. Now we have discussed ki search engine ka meaning kya hai, search engine se hota kya hai. The next thing is search engine itself is a very wide concept which is having the working of two or more components in it. So let's look at the components of the search engine. Spider, also known as web crawler, bots or agents. Second component is search algorithm. Third is indexing software and databases. Now how this search engine actually works? आप सर्च इंजन पे जाते हैं और वहां पे जाके एक सर्च बॉक्स के अंदर अपना कीवर्ड डालते हैं. आप कीवर्ड डालते हैं और यहाँ पे एक सर्च का ऐसे बटन बना होता है. यू जस्ट पुट द कीवर्ड हियर एंड वट एवर द इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर वर्ड यू नीड यू जस्ट टाइप हियर एंड क्लिक ऑन दिस सर्च बटन. राइट नाउ हियर कम्स द रोल ऑफ स्पाइडर. स्पाइडर एक्चुअली में क्या होता है? वट इज अ स्पाइडर? वो वेब बनाता है. स्पाइडर क्या होता है? एक जाला बनाता है. एक इंसेक्ट है जो जाला बना रहा है और ऊपर ऊपर क्रॉल करके जा रहा है. The same way we are having a wide variety, abundance of information on the internet, that is a web server. So spider एक bot है उस time पे, एक crawler है जो पूरे के पूरे www को crawl करके search कर रहे हैं for a particular word. Clear? How? Why we have given the name it as spider? Spider का काम क्या है? उसको एक web create करना, एक जाला बनाना, जाले के ऊपर चलते जा रहे हैं. The same way information is available on the world wide web, a full fledged web server is there. So spider will crawl the web, crawl the www, and it will find a particular word from the complete full fledged www. So this is the role of spider. So we alternatively use the terms bot or agents for the spider software. So this is basically, it will crawl the web and it will find the information from the huge list of
URLs which are available on the worldwide web. It will collect the document, it will collect the web addresses. जब हम सर्च भी करते हैं कीवर्ड डाल के तो आपके पास क्या आता है आउटपुट, लिंक्स आते हैं, कितने सारे यहाँ पे लिंक्स आ जाते हैं. और जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है वो लिंक आपका सबसे पहले नंबर पे आ रहा होगा. जब आपके एक पेज के ऊपर जितने लिंक्स आ जाते हैं नीचे पेजेस आ रहे होते हैं, दिस इज वन, सेकेंड पेज पे जाओगे उसके अलग से लिंक्स आएंगे, थर्ड पेज पे जाओगे उसके अलग से लिंक्स आएंगे. इस तरह से होता है सर्च इंजन का कंसेप्ट. द सेम वे द स्पाइडर विल सर्च द इट विल क्रॉल इन टू द वर्ल्ड वाइड वेब, इट विल सर्च, इट विल कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, इट विल कलेक्ट द वेब एड्रेसेस. वेब एड्रेसेस हियर मीन्स लिंक्स. ओके, इट विल सर्च फॉर द लिंक्स, इट विल कलेक्ट द लिंक्स एंड इट विल सेंड टू द सर्च, इट विल सेंड टू द इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर. क्लियर? तो आप इसको चाहे सेकंड नंबर बना लेना, बिकॉज एट सेकंड प्लेस द रोल ऑफ इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर विल बी देयर. अ स्पाइडर ने तो इन्फॉर्मेशन वेब में से आपको सर्च करके दिखा दी और किसको हैंड ओवर करी, इट विल हैंड ओवर द इंफॉर्मेशन टू द इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर. नाउ हेयर कम्स द रोल ऑफ इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर. अगर पहले सिंपल आपको बताऊं इंडेक्स क्या होता है, आपकी बुक्स के अंदर इंडेक्स होता है, हम नोटबुक के अंदर इंडेक्स बनाते हैं. व्हाई वी यूज टू मेक इंडेक्स, द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग द इंडेक्स सो दैट वी कैन क्विकली जंप ओवर अ पर्टिकुलर चैप्टर. अगर मैं आपको कह रही हूँ पेज नंबर ये खोलो, चैप्टर नंबर 8 खोलना, तो क्या आप सीक्वेंस में खोलोगे चैप्टर 1 के सारे पेजेस, देन चैप्टर 2 के, देन चैप्टर 3 के, सो ऑन कमिंग ऑन टू द चैप्टर 8? नो ना. व्हाट वी डू, हम इंडेक्स पेज खोलते हैं सबसे पहले, इंडेक्स पेज से इंडेक्स पेज चैप्टर 8 का नंबर पढ़ते हैं कि पेज नंबर कौन सा, एंड वी डायरेक्टली जंप ऑन टू दैट पेज. हियर ऑल्सो सिमिलरली द रोल ऑफ इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर. सो वट एवर द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड द वेब एड्रेसेस which the spider has collected, it will be sending to the indexing software. Now here comes the role of the indexing software. The indexing software will extract the information. Extract matlab fetch karna, retrieve karna, get karna. It will take the information from these documents and the web addresses and it will prepare the index of it and it will store in a database. Indexing software ka kya kaam hai, जितनी भी इंफॉर्मेशन स्पाइडर ने उसको लाके दी है, नाउ इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर उसमें से रिलेटेड क्वेरी के अकॉर्डिंगली डेटा को सर्च करके निकालेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन. ओके, इट विल एक्सट्रैक्ट द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन. उसके पास वेब एड्रेसेस के लिंक्स आ गए, लिंक्स की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली इट विल इंडेक्सिंग, इट विल डू द इंडेक्सिंग ऑफ इट. एक इंडेक्स प्रिपेयर करेगा और वो इंडेक्स को डेटा बेस के अंदर स्टोर कर देगा. क्लियर? सो इट विल एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स एंड इट विल मेक द इंडेक्स, इट विल स्टोर दैट इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस. दिस इज द रोल ऑफ इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर. थर्ड कम्स द रोल ऑफ सर्च एल्गोरिदम. नाउ व्हेन यू परफॉर्म अ सर्च बाय एंटरिंग एनी कीवर्ड, द सर्च इंजन सॉफ्टवेयर सर्चेस द डेटाबेस. जो भी आपने कीवर्ड डाला होगा एग्जैक्ट, जैसे हम डालते हैं ना, अब सर्चिंग करने के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं. अगर आपको बहुत एक अच्छी अच्छी तरह से सर्च करना है तो वी यूज सम ऑपरेटर्स, इफ यू रिमेम्बर, एंड और नॉट. ये लॉजिकल ऑपरेटर्स आपने कहीं ना कहीं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्टडी करे होंगे. सो विद द हेल्प ऑफ सच सॉफ्टवेयर्स वी कैन मेक अवर इंडेक्सिंग वेरी रिफाइंड. सो फ्रॉम द डेटाबेस व्हिच वाज प्रिपेयर्ड बाय द इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर, द सर्च एल्गोरिदम विल सर्च द डेटाबेस अकॉर्डिंग टू सम प्रोग्राम. एल्गोरिदम का मतलब है प्रोग्राम बनेगा, कोई कोडिंग लिखी होगी, कोई मैचिंग क्राइटेरिया बनना होगा कि जब भी इंफॉर्मेशन डबल कोट्स में इसकी इक्विवेलेंट है, इसके इक्वल इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी ये वर्ड मिल रहा है, वो डेटाबेसिस डेटाबेस में से इंफॉर्मेशन को सर्च करके यूजिंग अ पर्टिकुलर प्रोग्राम और एल्गोरिदम. सो इट विल डिस्प्ले यू द मैचिंग रिजल्ट ऑन द स्क्रीन. ये जो आपके पास रिजल्ट आया है, दिस इज गिवन बाय द सर्च एल्गोरिदम. आफ्टर रिफाइनिंग द सर्च एंड आफ्टर कलेक्टिंग फ्रॉम अ पूल ऑफ डेटा, यू कैन से ओनली द इंडेक्सिंग, जो भी इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर में इंडेक्स बना था, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज टू बी डिस्प्लेड ऑन द वेब ब्राउजर. So that is the role of search algorithm.
एनी डाउट इन द एलिमेंट्स ऑफ सर्च इंजन टू एनीवन? तीनों कंपोनेंट्स क्लियर हो गए हैं। रिशित, मैंने एचटीटीपी के आगे बच्चे एचटीटीपीएस लिखा था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, एचटीटीपीएस। ओके, एनी डाउट इन द एलिमेंट्स ऑफ सर्च इंजन टू एनीवन? स्पाइडर, इंडेक्सर, सर्च एल्गोरिदम, हम इसको ऐसे भी बोल देते हैं। स्पाइडर क्या करता है, पूरे के पूरे वेब को क्रॉल करके इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके लेके आएगा और इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर को दे देगा। इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर उसमें से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को फाइंड करके एक इंडेक्स बनाएगा, और इंडेक्स मीन्स हम डेटाबेस में स्टोर कर देंगे डेटा। सर्च एल्गोरिदम में एक प्रोग्राम बनेगा, एक सर्चिंग प्रोग्राम बनेगा, वहां पे सर्चिंग का एक कोडिंग लगेगी, एक मेथड, एक टेक्निक लगेगी। इफ द कीवर्ड इज इक्वल टू दिस देन डिस्प्ले दिस, समथिंग लाइक दिस द प्रोग्राम विल बी देयर एंड इट विल गिव यू द रेलेवेंट रिजल्ट ऑन द ब्राउजर। सो दिस all the three components work collectively in order to perform a particular search using a search engine software. Any doubt in the search engine, the components of search engine? Now you can refine your search. There are some searching tips with the help of which you can able to search very nicely, or you can say ki aapko efficient information mil rahi hai. So type the keywords in the search box, be specific, this will reduce the number of hits. Number of hits means usko itne zyada databases mein se jaake information nahi leke aani padegi. Agar hum keh rahe ki hame networking lena, aap networking, agar sirf networking ke components dhoond rahe ho aur aap likh rahe ho networking, to networking is a such a wide concept, it will give all of you ki networking kya hai, networking kisne banayi, कैसे बनती है, नेटवर्क टोपोलॉजीज कौन सी हैं, किस ऑर्डर में नेटवर्किंग बन सकता है, कौन सी डिवाइसेस लगेंगी। लेकिन हमारा कंसर्न क्या था, वी जस्ट नीड नेटवर्क कंपोनेंट्स और डिवाइसेस। तो योर सर्चिंग कीवर्ड शुड बी वेरी एप्रोप्रिएट, इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक। टू लुक फॉर एग्जैक्ट वर्ड यू कैन पुट देम इन द डबल कोट्स। द गूगल सर्चेज आर नॉट केस सेंसिटिव, आइदर यू आर राइटिंग अपर केस और लोअर केस। And minus sign means it will exclude that word. For example, अगर मैंने लिखा apple minus banana, ठीक है, तो वहां पे उस नेट के ऊपर जितने भी कोई फ्रूट्स के रिलेटेड अगर कोई डेटा पड़ा है, फ्रूट के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन पड़ी है, अगर आप अकेला फ्रूट्स डालते तो आपको सारे फ्रूट्स की इंफॉर्मेशन मिलती। अगर आप फ्रूट्स या फिर अगर आप अकेला एप्पल डालते तो एप्पल के साथ आपको कहीं जगह पे बहुत सारे लिंक्स में बाकी फ्रूट्स की इंफॉर्मेशन भी मिलती कि यस दिस फ्रूट इज पर्टिकुलरली गुड फॉर आईज, दिस फ्रूट इज पर्टिकुलरली गुड फॉर योर एब्डोमेन, राइट। सो दिस फ्रूट इज पर्टिकुलरली गिव्स यू द फ्रूट्स एसिड। अगर आप उसमें पर्टिकुलरली सर्च में अपना माइनस वर्ड डाल देते हैं तो दैट मीन्स इट विल गिव यू द सर्चिंग रिजल्ट ओनली कंसर्न्ड विद द एप्पल और एनी अदर फ्रूट, बट देयर शुड नॉट बी एनी लिंक विच इज हैविंग द वर्ड बनाना। तो यू आर एक्सक्लूडिंग दिस। So these are the some tips. Similarly, you can use plus apple plus banana. So it will act as a कि हमें वो pages चाहिए, हमें वो web addresses चाहिए जिनमें apple and banana दोनों की बात हो रही है। Means both the conditions should be satisfied. And का मतलब क्या होता है, both। अगर मैं और लगा दूं word, और means either this either that, दोनों में से कोई भी word कहीं पे भी मिल रहा है दिखा दो message। चाहे दोनों वर्ड्स हैं, चाहे एक वर्ड पहले वाला है, चाहे सेकंड वर्ड है, कोई भी वर्ड आ रहा है, इट विल गिव यू द वेब पेज फॉर दैट। अगर आप एंड लगा रहे हैं या प्लस लगा रहे हैं तो इट विल जस्ट गिव यू द वेब पेजेस व्हिच आर हैविंग बोथ द वर्ड्स इन दैट पर्टिकुलर वेब पेज। सो दिस वे यू कैन रिफाइन योर सर्च यूजिंग द सर्च इंजन। सो दीज आर द टिप्स, गॉट इट? एनी डाउट इन द सर्च इंजन्स? I hope the topic is very much clear, because this is a very simple topic. So next week we are going to start with the next topic. So with the help of the search engine, we can not able to find the information only, but also we can find the people on the internet. So we will study this topic in the next class. Okay.